Alright, so hey guys, welcome to my channel. It's me Ash and I'm back with a new video. So guys, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि मेरा चैनल पे मैं बकरे की वीडियोस नहीं अपलोड करने वाला हूँ, जो कि देवनार में बकरा ईद की मंडी लगने वाली है 1 अगस्त को. तो 1 अगस्त से 12 अगस्त तक जो भी वीडियो रहेगी, बकरे की वीडियो जो भी रहेगी, वो थोड़ा डर लग रहा है, बाजू में खड़े ना हम लोग इसके लिए. सो वो सब छोड़ो, जो भी बकरे की वीडियो रहेगी देवनार की, वो मैं सेकंड चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ. उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हैश फैम करके चैनल का नाम है. और ये चैनल पे सिर्फ ये पहली और लास्ट वीडियो शायद से, क्योंकि ये रवीश भाई मेरा जो फ्रेंड है, उसने बकरे लाए बेचने के लिए. और जितने भी लोग मेरे आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मुमरा के हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बकरे खरीदो मेरे दोस्त के पास से, ठीक है? तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटी का अंडुल है, आगे की बात रवीश आप लोगों को बताएगा. तो बताओ जी भाई, हमारे पास तुमको हर किस्म की वैरायटी मिलेगी, चाहे कोटा हो गया, सोजत हो गया, और बच्चे अच्छे तो बच्चे भी मिल जाएंगे माशाल्लाह. 2 दांत का बच्चा अपने पास भी पालने के लायक का, और ये अपने पास बड़े से बड़े जानवर भी है. और अगर बजट क्या है, किसी का कम बजट रहता है, किसी का ज्यादा, जो बजट लेके आ जाओ इंशाल्लाह हम दे देंगे आपको, इंशाल्लाह जो भी समझ के होगा. और सब अंडुल है क्या, खस्सी भी है? सब अंडुल है, सब अंडुल है, खस्सी भी मिल जाएंगे. लेकिन खस्सी का कैसा है ना, हम लोग सौदा नहीं करते. Yes. खस्सी अपने दोस्त के पास specially है, तो करवा देंगे. स्पेशली अंडुल है, स्पेशली अंडुल. और कौन कौन सी जात के मिल जाएंगे खस्सी में? अंडुल में, अंडुल में आपको कोटा मिलेगा, सोजत मिलेगा, अजमेरा मिलेगा, मालवा मिलेगा, जो बोलेंगे मिल जाएगा इंशाल्लाह. खाली बस ऊंची ऊंची नस्ल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऊंची ऊंची नस्ल थोड़ा सामने से हैवी रेंज के. अच्छा, हम लोग ने बजट वाले बकरे लाए, तो एक एक करके हम लोग सब बकरे बताएंगे, उसका साइज क्या रहेगा, वेट क्या रहेगा, और हाइट वाइट सब आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके भाई को कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया है, आप लोग वहाँ से इनको मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे और बात कर सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. ओके, तो सबसे पहला है बकरा रवीश भाई ले दिखा रहे हम लोग को. अरे थोड़ा इसको दूर रखो भाई. तो ये कौन सा है, कौन सी जात का है? कोटा में मालवा क्रॉस है. कोटा में मालवा क्रॉस है. हाँ. तो ये बकरे जो आपने लाए इतने सारे, वो कहाँ से लाए हो? ये अपने सब कोई राजस्थान का है, कोई भोपाल से लेके आया, सब यानी सिलेक्टेड आइटम उठा उठा के लाए. और अपना ये काम ना भाई, 12 महीने रहेंगे, 7 साल के 12 महीने. इसको चाहिए बच्चे, अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, जैसे कि जो क्वालिटी बोले वो क्वालिटी ला के दे देंगे भाई. अच्छा, जो क्वालिटी वाले. तो इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट भाई 36 रहेगी. 36 रहेगी. और इसका वेट? इसका वेट 70-75. और कितने दांत पे है ये? दांत दिखाओ, दांत दिखा दो. आ जाओ अभी देखो भाई, टोटल ये कितने दांत पे? 2 दांत पे. ये 2 दांत पे आप लोग बकरा देख सकते हो, चीज देख लो भाई. चाहे 2 दांत पे इतना ये हो, पलटी भी करवा सकते हैं चाहे तो, मतलब अगले साल काटने के लिए, पालने के लिए भी कोई ले सकता है. एकदम गर्म बोले तो गर्म जानवर है, बहुत गर्म, बहुत अग्रेसिव है. इसको पकड़ के रखना पड़ रहा. और जो कि प्राइस हो जाएगा, वो कितने तक हो जाएगा इसका भाई? इसका प्राइस तो अभी है 38 कुछ प्राइस है इसका. 38 इंशाल्लाह नेगोशिएबल है. आप लोग ऐसा 38 सुन के ऐसा डरो मत कुछ भी. आप लोगों का जो बजट है, आप लोग भावताव कर सकते हो, आप अपना बिंदास बजट बोल सकते हो, है ना? अभी सबका अपना अपना बजट रहता है, उस हिसाब से आप अपना वगैरह ले सकते हो. और ये बकरे ऐसे टेंशन मत लो, ये 38 का है, तो हम आपको इससे कम प्राइस का भी बताएंगे, इससे ज़्यादा का भी बताएंगे, अगर आपको इससे बड़ा बकरा चाहिए तो, ठीक है? उस हिसाब से बताते रहेंगे हम आपको. सो ये बकरा कौन सा, क्रॉस था ना? क्रॉस, क्रॉस है. तो उसकी हरकत दिखाओ थोड़ी, हरकत देख लो, गरम जानवर है ये. तो अभी जो दूसरा बकरा आप लोगों को दिखा रहे हम लोग, कौन सा है भाई? ये सोजत है भाई. सोजत है, प्योर सोजत है, प्योर सोजत है. मार्बल सिंग है इसकी भी, खुर भी मार्बल है माशाल्लाह, चीज खूबसूरत है. और ये भी जानवर ये है कि 2 दांत पे इसको भी चाहे तो पलटी करवा सकते हैं. ये भी 2 दांत पे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आइटम है. दांत दिखा दो इसके भी, इसके भी 2 दांत है. ये देखो भाई, इसके भी 2 दांत पे है ये बकरा सोजत. अगर आप लोगों को अगले साल के लिए भी लेना है, यानी पलटी करना चाहे तो भी कर सकते हैं, ठीक है? और इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट है कुछ 38-39 कुछ हाइट रहेगी इसकी. और इसका वेट रहेगा 65-70 वेट रहेगा इंशाल्लाह, उससे ऊपर ही निकलेगा, लेकिन थोड़ा कम करके बताओ वही अच्छा है. और लास्ट 65-70 वेट रहेगा. 10-20 दिन बाकी है, इंशाल्लाह बढ़ा सकते, इंशाल्लाह बढ़ा सकते. और इसका क्या हो जाएगा, क्या मांग रहे हो इसका? और इसका तो भाई अपना कॉस्ट है कुछ 33 है, नेगोशिएबल हो जाएगा. 33 मांग रहे हैं भाई, लेकिन कैसा नेगोशिएबल? तुम लोग का जो भाव है, तुम लोग बिंदास बोल सकते हो. कोई शर्म अभी ये बेचने वाला है,
इसका जो भाव है वो बोलेगा, आप खरीदने वाले हो आप अपना वो बोल सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि 33 रहेगा, नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ठीक है। तो थोड़ा इसकी हरकत दिखाओ अभी आप। ये भी कहाँ से लाए हो बकरा? ये अपना भाई राजस्थान का। सो अभी एक और बकरा लेके आए रविश भाई ने, आओ भाई आओ, इसको फ्रेम में ले लो। सो ये कौन 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 सी जात का है? ये भी कोटा मालवा क्रॉस है, मालवा क्रॉस है। सो ये भी बकरा देख सकते हैं आप लोग, आपके बजट में पड़ जाएगा। और ये कहाँ से लाए हो? ये अपना ये है राजस्थान का। ये भी राजस्थान का। उसके दांत कितने दांत पे है ये? इसके दांत देख लो भाई आके, दो दांत पे है भी बच्चा। ये भी दो दांत पे है बच्चा, चीज बहुत खूबसूरत है। और आपको जो भी बकरी दिखा रहे जा रहे थे दो दांत पे रह रहे, और लेकिन एकदम लग रहा नहीं कि दो दांत पे माशाल्लाह ऐसे बकरी है। हम लोग एकदम सिलेक्टेड पीसेस आगे ले गए, सिलेक्टेड यानी कोई आगे भी ले, कुर्बानी भी कर सकता है, चाहे आगे भी बढ़ा सकता है, आगे भी करके समझ रहे, पाल विल के भी कुर्बानी कर सकता है। माशाल्लाह चीज भी खूबसूरत है, और इसकी हाइट रहेगी 36 कुछ हाइट रहेगी इसकी, 35-36 और वेट, और इसका वेट रहेगा 55-60 इंशाल्लाह, उसके ऊपर ही निकलेगा 55-60 किलो तक भी है इसका। और इसका प्राइस है कुछ 25 है, नेगोशिएबल हो जाएगा। 25 मांग रहे भाई, तो देखो बजट में भी बैठा आजकल बकरे, ऐसे बकरे आप लोग देवनार में जाओगे कितने तक पड़ेगा भाई? भाई ये चीज देवनार में मंगने जाओ 35-40 के नीचे नहीं उतरते। अभी जो लास्ट जाके हम लोग को मंडी का रेट मालूम है, एक तारीख को जो मंडी लिखना लिए उसमें ऐसे बकरे आएंगे तो क्या लगता है इसको ऐसे बकरे उतर गए तो उसका रेंज नहीं भी पकड़ के बोलो भाई 35 को नीचे तो देंगे नहीं उन लोग। 35-30 अगर गिरी हालत में दे दिए तो 30 फाइनल एकदम। आप कितना मांग रहे हो? मैं 25 बोल के नेगोशिएबल कर रहा हूं, 25 बोल के भी थोड़ा कम हो सकता है ठीक है, क्योंकि बहुत कम बोला है भाई ने अगर देखा है तो। और चीज भी देख लो खूबसूरत आइटम है, बहुत खूबसूरत है, थोड़ा क्लोज अप में दिखा दो, दिखा दो भाई, देखो चीज देख लो, मुंह का रुबाब भी देख लो भाई इसका, माशाल्लाह कलर भी अच्छा है माशाल्लाह इसका, सिंग विंग सब अच्छा है। सो अभी एक और वगैरह बहुत बेहतरीन चीज़ आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं हम लोग, ये चीज़ जो कि बहुत कम मिलती है और दोनार में भी बहुत कम आती है, एंड कुर्बानी के टाइम पे इसका बहुत डिमांड रहता है इस बकरे का, जो कि सिर्फ ब्लैक कलर लंबे कान में आते हैं, ब्लैक है ना, ये स्पेशल है क्या कुछ ऐसा? भाई है ओरिजिनल भोपाल का, ओरिजिनल ये ओरिजिनल कारोली कोटा है समझे, कारोली कोटा। इसकी हाइट रहेगी कुछ 42 के आसपास इसकी हाइट है, और मैं भी बोल के 65-70 में तो कम वेट बोल रहा हूँ, फिर भी तुम वेट कराएंगे ना तो ज्यादा ही वेट निकलेगा। 65-70 देखो कैसा हो रहा है, 65-70 स्ट्रेंथ रहेगा, स्ट्रेंथ देख सकते हो कितना माशाल्लाह ताकत वाला जानवर है, एकदम खूबसूरत है भाई। कोई भी पब्लिक जो पब्लिक जानकर रहेगी कमेंट में बता भी देगी चीज क्या है ये समझे। और कितने दांत पे है ये? और ये इसके दांत देख लो भाई, ये देखो दांत भी नहीं दिखाने दे रहा, ये भाई कुछ 6 दांत पे क्या उसको पकड़ के रखो भाई, चार है ना ये देखो दांत भी नहीं दिखाने दे रहे, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये चार दांत पे है फिर से एक बार दिखा दो, तो थोड़ा दिखाने नहीं दे रहा दांत, चार दांत है इसके कान भी देख लो, इसके कान भी, और इसका हाइट तो माशाल्लाह अच्छी दिख रही है आप लोगों को, कैमरे में समझ भी नहीं आएगी, पहली बात तो ये बात है कि कैमरे में समझ भी नहीं आएगी, आप लोग सामने आके देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि चीज क्या है, हाइट क्या होगी फिर भी इसकी? हाइट है भाई कुछ 42-43 कुछ हाइट है इसकी, और वेट क्या हो जाएगा? वेट इसका है 65-70 के आसपास तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर ही निकलेगा इंशाल्लाह। और अब मैं तुम लोग को एक बात बता दूँ, ये बकरा अगर तुम लोग देवनार में लेने जाओगे या कोई भी मंडी में लेने जाओगे अगर बकरा ईद के टाइम पे, तो आप लोग को 1 लाख बोलेगा ही बोलेगा, आराम से बोलेगा, ये बात तो मंडी का भाव इतना ज़्यादा है कि तुम लोग जाओगे मंडी तो तुम लोग को खुद मालूम पड़ जाएगा भाई। और आप क्या मांग रहे हो इसका? हम इसका मांग रहे हैं भाई 45 45 मांग रहे और चीज़ भी वैसी है, चीज़ के हिसाब से मांग रहे हैं एग्रेसिव जानवर है, क्योंकि बजट वाले बकरी दिखाए हम लोगों ने 25 से 35 से, ये 45 का है ठीक है, और भी इससे कम दिखाएंगे और ज़्यादा भी दिखाएंगे, तो जैसा आप लोगों को जमता है वैसा आपके बजट में बैठता है वैसा आप लोग भाई से बात कर सकते हो ठीक है। तो और क्लोजअप में आके दिखा दो बकरे को, इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट 42-43 तो वेट कितना? इसका वेट 65-70 तो बोल रहे हैं, 65-70 तो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ही निकलेगा, उसके ऊपर ही निकलेगा, ऊपर ही निकलेगा भाई। ओके तो अभी एक और एक बकरा आप लोगों को दिखा रहे हैं हम लोग, ये कौन सी नस्ल का है? ये भाई सोजत से कोटा क्रॉस है, ये सोजत से कोटा क्रॉस है, और माशाल्लाह इसका कलर भी देखो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत जानवर है। और अभी दिखाओ कितने दांत पे है ये, देख लो भाई 4 दांत पे है,
चार दांत पे है ये जानवर। सो और इसकी हाइट कितनी होगी अभी? इसकी हाइट है भाई कुछ 32-33 हाइट है। 32 से 33 हाइट और वेट कितने तक निकलेगा इसका? रहेगा 50 का वेट रहेगा। ठीक है, का वेट है माशाल्लाह। और ये कहाँ से आया बकरा, कहाँ से लाया? ये भोपाल का जानवर है माशाल्लाह। ये भोपाल का जानवर है, भोपाल से लेके आए। तो आप लोग देख ही सकते हो। और अगर पालने के लिए भी चाहिए तो मतलब अगले साल आपको करना है तो उस हिसाब से भी आप लोग ले सकते हो। तो वैसा ही बकरा है जानवर और ये साल कुर्बानी के लिए भी लायक है एकदम। ठीक है, और इसका कितना मांग रहे हो? इसका तो भाई 22 मांग रहे, नेगोशिएबल है। लेकिन कैसा है ना भाई, एकदम ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा, गुंजाइश हो जाएगी लेकिन थोड़ी हद तक की गुंजाइश होगी, समझे? ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस नहीं हो रहा अभी, 35 से इतना कम होना फिर वो मतलब नहीं भाई। इसलिए एक ही भाव बोल रहे कि मतलब तुमको भी अच्छा लगे, थोड़ा बहुत तुमको भी अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे, उसको भी बेचने मज़ा आए, तुमको भी खरीदने मज़ा आए। ठीक है, वैसा प्राइस बोल रहे हम लोग, ज़्यादा एकदम नहीं बोल रहे, बहुत ही कम बोल रहे। और अगर मंडी में इसको उतारे तो प्राइस बढ़ेगा। और ये मुमरा की मंडी में जितने भी बकरे हम लोग दिखा रहे हैं वो मुमरा की मंडी में आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बना रहे वीडियो क्योंकि भाई, क्योंकि जब मंडी में उतरेंगे ना बकरे तब उन लोगों का प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है ये प्राइस बढ़ता है। तो अभी इतना सस्ता है तो मंडी में कितना एक्सपेक्ट? मंडी में इसका भाई नहीं भी बोल के गिरी सी गिरी आदत में अपने 28 में बेच देंगे, 28 में बेच देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को लेना है, उससे पहले का ऑफर है खाली इसके लिए। ठीक है, हम लोग जल्दी बना रहे हैं कि अगर उससे पहले लोगे आप लोग तो दूसरे बकरे उतार देगा मंडी में, तो आप लोगों को चाहिए अभी हम लोग के आने में है और आने वाले बकरे अभी आ जाएंगे। तो मुमरा की मंडी में भी इनका नंबर दूंगा, आप लोग कांटेक्ट करके बात कर सकते हो कहाँ लेना है मंडी और डिटेल मंगा सकते हो। ठीक है, तो अभी और बकरे दिखाते हैं हम लोग आपको, आप लोगों को। सो अभी और एक खूबसूरत चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हम लोग, इसका कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये कौन सा बकरा है भाई? ये भाई अजमेरा बकरा है। ये अजमेरा है तो इसकी सिंग माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो, थोड़ा क्लोजअप में आगे इसकी सिंग दिखा लो क्योंकि इसकी सिंग बहुत प्यारी है, चीज़ बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और दांत भी दिखा रहे हो, कितने दांत पे है ये? ये देख लो भाई, कितने दांत पे? 6 दांत पे। तो 6 दांत पे है ये। ये कहाँ से लाया? ये भाई हम लोग ने सोजत मंडी से उठाया, सोजत मंडी से उठाए हुए, जो राजस्थानी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका मतलब हाइट कितनी होगी इसकी? इसकी हाइट है कुछ 38 कुछ हाइट है इसकी। 38 हाइट। और वेट का एक्सपेक्ट? इसका वेट रहेगा 50-55 तक के वेट रहेगा इसका। 55 तक तो एक्सपेक्ट करें, लेकिन और बढ़ जाएगा जैसे कि हम लोगों ने बोले टाइम है अभी, तो इंशाल्लाह आराम से बढ़ेगा इसका और वेट और जाएगा बकरा। ठीक है, और खासियत क्या है बकरे की? और ये बच्चा भाई है माशाल्लाह 6 दांत पे, और ये अजमेरा है। इसकी सब कुछ देख सकते हैं, रुबाब उबाब माशाल्लाह, कलर भी फेस पे वाइट पन सब कुछ देख सकते हैं, कान की लंबाई। बकरा लेके घूमोगे तो आप दिखता है मतलब। हाँ, बकरा लेके घूमेंगे ना भाई तो साथ में चलने का रुबाब अलग लगेगा अपने को, समझे? और चीज़ भी बहुत प्यारी है इसके। और इसका हम लोग कुछ प्राइस मांग रहे हैं, 30 तो मांग रहे हैं, इंशाल्लाह नेगोशिएबल हो जाएगा। 30 बोल रहे हैं, और बजट में भी है बकरा क्योंकि 30 में ऐसा बकरा बहुत कम मिलता है अभी बकरीद के टाइम पे देखा जाए तो नेगोशिएबल है। ऐसा नहीं कि 30 है तो 30 में जितने बकरे सब नेगोशिएबल है, और प्राइस का हम लोग अपना भाव बोल सकते हैं। ठीक है, तो चला के बता रहे थोड़ा इसको, और देखो चलने पे एकदम खूबसूरत लगता है। सो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, और एक बहुत ही खूबसूरत है, और इसको पालने के लिए स्पेशल है जो कि भाई ने लाया बेचने के लिए, लेकिन आप लोग पालने के लिए भी ले सकते हो। तो उसका कलर भी माशाल्लाह अच्छा है। तो कौन सी जात का है भाई? सिरोही बच्चा है। ये सिरोही का बच्चा जो भोपाल से कुर्बानी के लिए है ना ये? हाँ, ये कुर्बानी। इसके दांत दिखा दो माशाल्लाह, 2 दांत है अभी, ये 2 दांत पे होती है कुर्बानी, फ्रेश कराया अभी 2 दांत इसने एकदम, समझे? एकदम फ्रेश 2 दांत कराए। और इसकी हाइट रहेगी 36-37 कुछ हाइट है, 36-37 हाइट है। और 45-50 वेट रहेगा, 45-50 वेट रहेगा। और अगर तुम लोग लेते हो, अभी 10 दिन बाकी है जैसे कि हर बकरे के साथ बोल रहा हूँ मैं, तो तुम लोग वेट बढ़ भी सकता है एक्सपेक्टेड, इंशाल्लाह सब बकरों का वेट बढ़ जाएगा। और जो कि आपके जितने सारे बकरे दिखा वो कहाँ आने वाले अभी? ये सब मुमरा की खाड़ी है ना, जो मुमरा खाड़ी में जो मंडी लगती है, कहाँ मुमरा में खाड़ी में लगेगी मंडी? मित्तल ग्राउंड में मंडी लगेगी, फर्स्ट या सेकंड खाड़ी? ये फर्स्ट खाड़ी में, मित्तल ग्राउंड में, बाजार के बाजू वाली। हाँ, बाजार के बाजू वाली, बाजार के बाजू वाली खाड़ी में। और तो ये सब बकरे जो कितना मांग रहे हो इसका अभी? हम लोग इसका प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई 20,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई। तो नेगोशिएबल है, बहुत नेगोशिएबल है। ठीक है, 20,000 में अच्छी चीज़ है क्योंकि ऐसे से बकरे मैं देखा हूँ, खुद देखा हूँ मैं, 25-30 में पब्लिक लेके जा रही है ऐसा। तो ये भाई देखो इतना खाली 20 बोल रहे हैं और नेगोशिएबल भी बोल रहे हैं ऊपर से, तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा मतलब बजट वाले बकरे यहाँ पे।
कि सबके बजट में आ सके बकरे, और इतना तो देते ही है सब लोग, कुर्बानी के लिए अच्छी चीज़ लेनी पड़ती है और इतना तो देते ही है सब लोग। ठीक है, कोई जानवर में भी कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलेगा, सबके सब माशाल्लाह, सबके सब माशाल्लाह। और तुम लोग आओ यहाँ पे देखो, तुम लोग को जैसा चेक करना है वैसे चेक करके आप लोग ले सकते हो। मंगता तो नंबर भी ले लो मेरा, मंगता नंबर तो देंगे ही हम लोग, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई का नंबर। ठीक है, ओके। तो अभी जैसे कि मैंने ऊपर टेरिस के बकरे दिखाए तो रवीश भाई के थे, अभी रवीश भाई के बकरे नहीं है, दो जो बकरे हैं वो ये भाई के, आपका नाम अरबाज, अरबाज भाई के बकरे हैं जो कि मुमरा में रहते, जैसे कि आप लोगों को पीछे स्कूल से मालूम पड़ रहा है। सो वही, तो जो भी कॉन्टैक्ट नंबर अभी चेंज है, रवीश भाई को कॉन्टैक्ट नहीं करना, अगर आपको ये दो बकरों में से कोई बकरा पसंद आता है तो अरबाज भाई को कॉन्टैक्ट करना, इनको भी करेगा तो चलेगा, इनको भी करेगा तो चलेगा। और जो कि बकरे बताइए कुछ, कौन से बकरे ये है भाई? एक कोटा है और वो अजमेरा है, ये दोनों हम लोग ने मेन प्योर भोपाल से लेके आए, ये प्योर भोपाल से लेके आए, भोपाल से लेके आए। और इसकी कुछ हाइट रहेगी 38 की हाइट है इसकी, और इसकी हाइट है 40, और ये वेट पे रहेगा 70 के आसपास है ये कुछ, और वो 65-68 तक के कुछ रहेगा, इंशाल्लाह ऊपर ही निकलेगा, फिर भी मैं थोड़ा कम करके बता रहा हूँ, 75 तक, फिर भी मैं तुमको कम करके बता रहा हूँ, क्योंकि धोखाधड़ी वाला तो काम है नहीं अपना, समझे? और जो भी एकदम प्योर माल है, अच्छा एकदम, और चीज भी बहुत खूबसूरत है, चलने का रूपा, चार दांत प्योर है, छह पे ये चार दांत दिखा दो आगे, ये देख दांत दिखा दो इसके आगे आगे, ये देखो ये चार दांत है उसके, दांत ये छह दांत का, ये छह दांत पे। हां, सो प्राइस कितना मांग रहे हो, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो आप? हम लोग तो इसका प्राइस बाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका 40, इसका 35, इसका 40, इसका 35, हाँ, नेगोशिएबल हो जाएगा, कम नेगोशिएबल हो जाएगा, लेकिन कैसा ना भाई, गुंजाइश हो जाएगी, लेकिन एकदम ज्यादा नहीं, क्योंकि भाई ने पहले एकदम कम बोले, ज्यादा बोल के कम करने मतलब नहीं, एकदम कम बोल दिए पहले ही। ठीक है, तो आप लोगों को बेचना लगे, भाई को भी बेचना अच्छा लगे, अगर मुमरा की मंडी में आएंगे भाई, इंशाल्लाह मुमरा की मंडी में आएंगे। सो जो भी रहेगा आप लोग कॉन्टेक्ट करके इनसे बात कर सकते हो, तो मुमरा की मंडी में आप लोगों को दिख जाएंगे बकरे। ठीक है, सो आप लोग देख ही सकते हो बकरों को, चल दिखा दो चला के, थोड़ा देख लो भाई, चला वला के सब कुछ देख लो, चीज़ बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, और दोनों भी एग्रेसिव है क्या? दोनों भी एकदम एग्रेसिव है, लेके घूमोगे तो लगेगा ऐसा, ओके। सो अभी दो बकरे और दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, सर कौन सी जात के? ये भाई सोजत है, सोजत है, कम देखने मिलते हैं, चीज भी बहुत खूबसूरत है, और सब दो दो दांत पे, ये दो दो दांत पे, दिखाओ दांत दिखाओ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे, क्योंकि दो दो दांत के लग रहे नहीं है, लेकिन है दो दो दांत के, कुर्बानी के लायक है और पालने के लिए भी है। पहले भी बोला था बकरे के लिए कि कम से कम प्राइस में भी अपने को जानवर मिल जाएंगे, कम से कम इसके लिए बहुत कम से कम प्राइस है। तो इसका दोनों का क्या मांग रहे हो? ये दोनों का मांग रहे हैं 28,000 रुपया मांग रहे हैं, नो नेगोशिएबल है, बहुत चीज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत चीज़ बहुत खूबसूरत है दोनों, चाहे तो पालने भी ले सकते हैं, सोजत बकरे क्योंकि बहुत बढ़ते हैं, समझे, सोजत बकरे क्योंकि वाइट भी पकड़ते हैं, बदन भी पकड़ते हैं, चीज़ भी बहुत ज़्यादातर मतलब बिना सिंग वाले ही रहते हैं, सोजत में हमेशा भी बिना सिंग के ही रहते हैं, और सिंग वाले भी रहते हैं, क्योंकि जो कि मैंने आपको टेरिस पे बताया था दूसरी वाली क्रॉस में, हाँ क्रॉस में रहता है जो कि सोजत, वो सोजत भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चाहिए तो मैं कॉन्टैक्ट करो, रवीश भाई का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और एक बकरा है यहाँ पे, इसको भी ले लो, ये देखो भाई, सर ये कौन सी जात का है? ये है भाई अजमेरा, तो ये अजमेरा है, अजमेरा बच्चा है ये, इसकी हाइट क्या होगी? राजस्थान से लेकर, राजस्थान से लेकर, इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट है 38-37 कुछ हाइट है इसकी, 38-37 हाइट होगी, इसका वेट रहेगा 65-70 वेट है इसका, 65-70 वेट होगा, माशाल्लाह जानवर आप लोग देख सकते हो, चीज़ बहुत अच्छी है, दांत इसके चार है, चार दांत पे। ठीक है, कितना मांग रहे हो इसका? इसका हम लोग मांग रहे भाई 30 मांग रहे, 30 एक्सपेक्ट कर रहे भाई, लेकिन आप लोग का क्या भाव है? ये चीज़ भी बहुत खूबसूरत है, चलने फिरने में इसका, ठीक है ठीक है, तो बहुत चीज़ खूबसूरत है, लेके घूमोगे तो लगेगा। और यहाँ पे एक और अंडुल है, सबसे एग्रेसिव बोलते हैं, जैसे कि एग्रेसिव बकरे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग अंडुल में ले गए, तो इसको कैसा है ना, भी हमने राय का तेल लगा के रखे, राय का तेल लगाए हुए इसके लिए,
और इसकी सिंग पे क्या है, इसकी सिंग पे भी तेल लगा है। हाँ, ये राई का तेल लगा। अच्छा, राई का तेल लगा हुआ और इसका कलर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। एकदम खूबसूरत जानवर है अभी। तो इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट है भाई कुछ 36-37 इसकी हाइट है, और इसका वेट ओके 65-70 वेट रहेगा इसका। और माशाल्लाह बहुत एग्रेसिव जानवर है, और इसका भी चार दांत पे है। चार दांत पे, दांत दिखा दो उसके। चार दांत पे, ये भी चार दांत पे है जानवर। तो क्या मांग रहे हो उसका? इसका हम लोग भाई मांग रहे हैं 30 मांग रहे हैं। इसका भी 30, इसका भी 30 मांग रहे हैं। छोड़ के दिखाओ, छोड़ो जरा। और अच्छा है बहुत, इसकी बहुत फुर्ती वाला जानवर, एकदम एग्रेसिव देख ही सकते हो। 30 मांग रहे हैं, लेकिन नेगोशिएबल हो जाएगा। जितने भी बकरे मैंने दिखाया आप लोगों को, वो रवीश भाई के हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, तो लोग मतलब कांटेक्ट भी कर सकते हो और बातचीत कर सकते हो। आप अपना प्राइस बोलिए, अगर आपको जमते है तो आप आके यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में जितने भी बकरी दिखाया तो तुम लोग को अच्छा लगा होगा, और सेकंड चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जो कि दियोनार की वीडियोज़ उस पर आने वाली है। दियोनार की वीडियोज़ यारे चैनल पर नहीं आएगी, ठीक है। सो वही, बाय। लाइक कर दो, कमेंट करो जो बकरा अच्छा लगा, और शेयर कर दो। जितने भी बकरा लवर्स है, गोट लवर्स, जो भी है, दोनों लवर्स, सबके साथ शेयर करो। बाय।